नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। दुकान के अंदर एक 13 वर्षीय बालक का शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल। खबर वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के चिकोसन बाजार जिम्मेदारी घाट रोड के निकट फोटो फ्रेमिंग के एक बंद दुकान से है, जहां एक 13 वर्षीय बालक का शव कुर्सी पर बैठा मिला। वही दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के अंदर एक बालक का शव देख हैरान हो गया। वही देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही दल बल के साथ बिदुपुर थाना अध्यक्ष धनंजय पांडेय घटनास्थल पर पहुंचे। वही मृतक की पहचान अथौलिया गांव निवासी राधे राय के 13 वर्षीय पुत्र मिठू कुमार के रूप में हुई है। वही घटनास्थल पर लोगों ने दुकानदार पर बालक का हत्या के आरोप लगाते हुए हाथापाई शुरू कर दिया, जिससे बिदुपुर थाने के पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग घंटों तक जाम कर दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार मिश्रा एवं कमलेश किशोर की रिपोर्ट। बच्चा के मार का दुकान में बंद किए हुए, कब से बच्चा न पता है? सवेरे 5 बजे से, 5 बजे आया था बच्चा। उसके बाद जो कोनो आदमी अभी फोन किया है 1 घंटा पहले कि एगो बच्चा के मार का दुकान में बंद किए हुए, क्या तू फोन किया है कि चुप्पे कहा है कोई आदमी के, तो ये आदमी से वो आदमी मालूम हुआ है। काना कानी होगा तो हम सब आए हैं। किसका दुकान? दुकान किसका? दुकान है गणेश भगत। क्या चीज का दुकान है? ये ऐसी फोटो उटो है, पर चुन चुन के दुकान है। अच्छा, बच्चा का क्या नाम? बच्चा का नाम है मिथुन। कहाँ का रहने वाला बच्चा? पिताजी के राधे राधे। कहाँ का? कथौलिया का। विजेंदर। क्या है बच्चा के आप? हम चचा लगते हैं।